हेलो एवरीवन, लास्ट एपिसोड में हमने बात करी बायोटेक्नोलॉजी व उससे जुड़े करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के विभिन्न ब्रांचेस में से एक मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की। वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, फूड एंड डेयरी एंड मेडिकल सभी सेक्टर्स में सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं। पर अगर हम मेडिकल सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स का रोल देखें तो हम कह सकते हैं कि यह अनपैरेलल है या यह अनबीटेबल है। इवन वी कैन से दैट बायोटेक्नोलॉजी इज अ बून टू द मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील्स विद द हेल्थ केयर सेक्टर एंड फार्मेसी सेक्टर। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हैज ट्रिमेंडस ह्यूमैनिटेरियन इम्प्लिकेशंस बिकॉज अ स्मॉल डिस्कवरी मेड बाय एनी मेडिकल बायोटेक्नोक्रेट कैन सेव मिलियंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, हम कह सकते हैं कि मेडिकल बायोटेक्नोक्रेट्स की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। इंडिया इज काउंटेड अमंग टॉप 12 बायोटेक डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी वास्ट फील्ड एंड मेडिकल बायोटेक सेक्टर वी कैन से दैट दे आर यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स इन द डायग्नोसिस एंड इन द ट्रीटमेंट। बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टेक्निक्स, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच की कुछ टेक्निक्स की हम लोग बात करें, जीन थेरेपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनमें कि जीन या डीएनए मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है। इनके द्वारा ना केवल हम डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं बल्कि इंसर्ट करके न्यू जीन को हम डैमेज सेल्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास टेक्निकल नॉलेज है, इक्विपमेंट हैंडलिंग का एक्सपर्टाइज है, वह सभी स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में एक करियर विकल्प के रूप में जा सकते हैं। इस एरिया में एडमिशन लेने के लिए 12th में आपके पास मैथ्स, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर होना चाहिए। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड आफ्टर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में यानी कि एमएससी में आप बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी को चुन सकते हैं। इस कोर्स के द्वारा आप हॉस्पिटल सेक्टर, फार्मेसी सेक्टर, रिसर्च सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जा सकते हैं और जहां पर आप अपने आप को एज अ मेडिकल साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोफेशनल के रूप में स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की, तो बाय 2025 वह दौर आने वाला है जबकि आपकी पर्सनलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आपके डीएनए कंटेंट को देखकर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएंगी, आपको डायग्नोस किया जा सकेगा और आपको ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आने वाला दौर बायोटेक्नोलॉजी का है और मेडिकल सेक्टर को रिक्वायरमेंट है स्किल्ड बायोटेक्नोक्रेट्स की। थैंक यू। और अगर आप हमारे वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।